नमस्कार, आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर है सरदार शहर चूरू से, जहां नेशनल एंटी क्राइम काउंसिल ऑफ इंडिया की वुमेन मोर्चा अध्यक्ष ने दिया नगर पालिका को ज्ञापन। चलो आपको बताते हैं सड़कों का वह हाल, जिन सड़कों पर चुनावों के समय पार्षद और विधायक चला करते थे। अपनी जीत के लिए वे लोगों से वोट मांगा करते थे और सड़क को वो सजाने का वादा किया करते थे। आपको बता दें कि नेशनल एंटी क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजूर सारस्वत, जिला उपाध्यक्ष निर्मला मटोलिया, पूनम डे कलावती सोनी ने नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन दिया और बताया कि वार्ड नंबर 25 भानी दौरा के पास मेन रास्ता जो पानी और कीचड़ से भरा पड़ा है। वार्ड वासियों का कहना है कि हमें कष्ट उस बात का नहीं है कि कभी वार्ड पार्षद जेपी चोटिया की नजर पड़ी हो, लेकिन कभी नगर पालिका प्रशासन ने भी सुध नहीं ली। आम आदमी इस रास्ते का उपयोग करने से डरता है, फिर भी रास्ता वही होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी दयनीय स्थिति उन बच्चों की और औरतों की हो जाती है जो रोज उस रास्ते से निकलते हैं। हमारे संवाददाता अरविंद महेश्वरी के द्वारा कैमरे में कैद किया गया सड़कों का वह नजर। अगली खबर का रुख करते हैं जो कि सिकराई से है। संभागीय आयुक्त के निर्देशों पर किया जा रहा है निरीक्षण, देखिए खास रिपोर्ट हमारे अमित शर्मा की। संभागीय आयुक्त के निर्देश पर किया जा रहा है उपकरण क्षेत्र में निरीक्षण। सिकराई ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने निरीक्षण किया। ब्लॉक स्तर के प्रशासन अधिकारियों के कार्यालय में जाकर कर रहे हैं निरीक्षण। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में सुशासन व संवेदनशील पारदर्शी उत्तरदायी प्रशासन सरकारी योजनाओं को आमजन को गुणवत्तापूर्ण राजकीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि विकास अधिकारी राजेश मीणा, नायब तहसीलदार विनोद गुप्ता, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर अमित मीणा, सीबीओ मोहनलाल बेरवा, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति चेक करने पहुंचे। विभागीय आयुक्त के निर्देश अनुसार आपने पीडब्ल्यूडी ऑफिस का कार्यालय का निरीक्षण किया, आपको इसमें देखने में क्या मिला? जो देखना मैंने देखा, सबसे पहले साफ सफाई देखी, या साफ सफाई ठीक है, या तीन कर्मचारी एक एएन साहब और दो एलडीसी यूडीसी कार्यरत हैं, तीनों यहाँ उपस्थित हैं। और हमें यहाँ लिखा हुआ है कि कार्यालय किस समय खुलेगा, किस समय बंद होगा, व्यवस्थाएं मुझे ठीक लगी हैं। ठीक सर।